शहीद परिवारों के प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हुए ये कहना चाहते हैं कि ना सिर्फ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रत्येक भारतवासी शहीद परिवारों के साथ इस दुख की घड़ी में। हमारी सेना पर ये कायरतापूर्ण हमला अत्यंत निंदनीय है और चिंता की बात यह है कि एक महीने के अंदर पांचवा आतंकी हमला ये हुआ है। आपने देखा किस रूप से कठुआ के अंदर ये जो हमला हुआ है, बिल्कुल इसी रूप से आपको याद होगा दिसंबर 2023 में रजौरी में भी हमारे चार शहीद हुए थे, वहां भी ऐसा हमला हुआ था। आपको याद होगा कुलगाम में एक दो दिन पहले एनकाउंटर भी हुआ जहां छह आतंकियों के साथ साथ दो हमारे शहीद भी हुए। और आपने आपको याद होगा 26 जून को भी इसी तरीके से डोडा के अंदर एनकाउंटर की एक घटना सामने आई। और जून 9 जून को जब प्रधानमंत्री जी की शपथ ग्रहण समारोह था जिस दिन, उस दिन भी आपको याद होगा कि एक हमारी वैष्णो देवी जाते हुए एक बस के ऊपर एक इसी प्रकार से दुस्साहसपूर्ण हमला किया गया। तो ये लगातार हो रहे हमलों पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गंभीर चिंता व्यक्त करती है। आवाज हम गंभीर चिंता भी व्यक्त करते हैं और हम चिंता के साथ साथ हमारा ये मानना है कि जिस गंभीरता से सरकार को लेना चाहिए उस गंभीरता सरकार नहीं ले रही, तो एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते हम सरकार का ध्यान इस ओर खींचना चाहते हैं, आग्रह करना चाहते हैं इसको सरकार पूर्णतः गंभीरता से ले। और सभी देशवासी और एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में हम भी हर तरीके से सरकार जो कदम उठाएगी देश की सुरक्षा के मद्देनजर उस हर कदम का सहयोग करने के लिए हम तत्पर हैं। सभी देशवासियों की एक भावना है कि जिस ये जो आतंकी जो हैं इनको उन्हीं की भाषा में जवाब भी दिया जाए और हम अपनी ओर से पूरा सहयोग भी देने को तत्पर हैं। और कुछ मगर सुझाव और कुछ सवाल एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप में हम सरकार के संज्ञान में सरकार के समक्ष हम रखने चाहते हैं। हमारा ये मानना है जैसे कि राहुल जी ने जो कहा कि लगातार हो रहे आतंकी हमलों का हल कठोर कार्रवाई से होगा,